हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप लोग? आई एम मोना. सो आज इस संडे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ, मतलब 9 o'clock, मतलब 8:39 के बीच में मैं उठी एंड मैं बस चाय पी के यहाँ पे बैठी हूँ. क्योंकि क्यों इतना लेट उठी सोचिए. देखिए, मैं अगर जब चेन्नई में होती थी, मैं जल्दी जल्दी उठो, जल्दी खाना बनाओ, चाय बनाओ, सब. यहाँ पे वो सब कुछ भी टेंशन नहीं है. उठो, मम्मी चाय दे देती है, फिर टिफिन भी बन गया है. एंड आई थिंक मेरे घर पे आज कोई कोई आने वाले हैं क्या, नहीं पता, शायद कोई आ जाए, क्योंकि मेरे पास में ही कजन्स रहते हैं तो उनके बच्चे भी आ जाते हैं भाई के साथ खेलने के लिए. एंड मुझे थोड़ा सा एडिटिंग, मैं अभी थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ, एडिटिंग ही कर रही थी मैं, तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आज का. क्योंकि बाकी जो प्लान कर रही थी मैं वीडियो बनाने का, वो हो नहीं पाया, बट मैं श्योर करूंगी वो वाला वीडियो भी. तो आज मम्मी कुछ स्पेशल बनाने वाली है हमारे लिए, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड करूंगी. मैं भी आगे वो रिकॉर्ड करूंगी. मैं बोलने वाली थी मैंने किया है. तो मैं फिश बनाने, मतलब आज फिश बनाने वाली है, मम्मी पापा बोल रहे थे. सो मैं आज आपको एक फिश का रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी. एंड मैं लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे चाट का रेसिपी बहुत अच्छा, आप क्यों नहीं बनाती है? मुझे उतना अच्छा अच्छा चीज नहीं आता है बनाना. सच्ची बात बोलूँ, मैं बहुत बेसिक सी खाना बनाती हूँ. एंड जो भी अगर कुछ ज्यादा अच्छा बना लिया ना, तो यूट्यूब से देख के मैं बनाती हूँ या फिर मम्मी से पूछ के बनाती हूँ. क्योंकि मैं अभी मम्मी के पास हूँ, तो पूरा फायदा उठा रही हूँ कि आप लोग को भी वो बता दूँ क्या इतनी अच्छी अच्छी एंड बहुत ही इजी वे में वो बनाती भी है. तो आज मैं बताऊंगी क्या बनाने वाले, तो वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा. माही अभी नीचे खेल रही है, तो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं. आई थिंक मैं अभी थोड़ी देर के लिए नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे फोन में बैटरी बहुत लो है. फिर पहले मैं इसको अच्छे से चार्ज पे लगा दूँ, फिर मैं आई थिंक लंच से स्टार्ट करूंगी आज का ब्लॉग प्रॉपरली सारे रेसिपीज के साथ. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. चलो मैं फिर बाद में बात करती हूँ, बाय. और यहाँ पे माही खेल रही है मेरे पापा के साथ। देखो वो क्या स्ट्रॉ कुछ चबा रही है, आई थिंक जूस पी रही थी एंड उसके बाद स्ट्रॉ को चबा के दिखा रही है सबको। और उसका तो बहुत बड़ा मौजिक, मेरी बात तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, कुछ भी बोलो तो बोलती है नाना जी को नानी को बता दूंगी। सो वही यहाँ पे चला डांस कर रही है मेरे पापा के साथ। एंड अभी बहुत मतलब लंच का टाइम हो गया था, मम्मी फिश बना रही थी। इस फिश को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे लिख दूंगी आपके लिए। सो ये वाला फिश को मम्मी आज चिली फिश बनाने वाली है। तो इसमें वो 2 चम्मच इसके लिए मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी, उसके बाद नमक एंड उसके बाद और सारे मसाला मिला के उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके 15 मिनट तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाई है, इस पेस्ट में और कुछ ऐड नहीं किए। वो 2 चम्मच फिश सॉल्ट, आप जितना भी फिश लें उसके हिसाब से आपको सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद टर्मरिक हल्दी ऐड की है एंड उसके बाद लाल मिर्च। लाल मिर्च हम लोगों को थोड़ा सा, मुझे स्पेशली थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है, तो हम लोग लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से ये सबको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चावल का आटा, वो भी 2 चम्मच वो मिलाएगी एंड उनके बाद सबको ऐड करके आपको अच्छे से मिलाना है एंड 15 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड उसके बाद आपको इसको चाहें तो आप पैन में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिश को फ्राई नहीं करते, डीप फ्राई करते हैं जैसे तेल में। मैं आपकी दिखाती हूँ आपको। तो साइड बाय साइड मैंने यहाँ पे मैंने इतना बड़ा हेल्प कर दिया, आई नो मैं कुछ नहीं कर की हूँ, मैं बस थोड़ा सा प्याज काट दी। टमाटर इसके लिए आपको मैंने यहाँ पे 4 प्याज काटा है, 2 टमाटर, एक छोटा सा हाफ कैप्सिकम, 4 ग्रीन चिली एंड थोड़ा सा करी लीव्स चाहिए। प्याज को आपको इस तरह से ही काट कट करना है, ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है। एंड हम लोग यहाँ पे फिश को थोड़ा सा डीप फ्राई करते हैं हमारे में। अगर आप डीप फ्राई नहीं करते हैं, सिर्फ पैन में थोड़ा सा फ्राई करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे प्रिफर करते हैं इसे बनाना। फिश को करी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, हम पहले से फ्राई करने के लिए ऐसे ही डीप फ्राई करते हैं। चेन्नई में लोग ना सीधा अपने मतलब जो सब्जी होता है उसी में डाल देते हैं, वहाँ पे उनका बनाने का तरीका अलग होता है। आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है, ज़्यादा हार्ड इसको जलाना नहीं है, देख के धीरे धीरे चलाना है इसको। उसके बाद आपको इसको साइड करना है। एंड जी हाँ, ये रेसिपी बनाने के लिए, इसके लिए आपको जो भी चाहिए ना आपके घर के किचन में आपको इजीली मिल जाएगा। हम लोग चिली के लिए स्पेशली सोया सॉस की ज़रूरत होता है, लेकिन मेरे पापा को सोया सॉस नहीं पसंद है अगर हम खाने में ऐड करते हैं तो। हाँ चिली में ऐड होता है, पर हम लोग ऐड नहीं करें क्योंकि पापा नहीं खाएंगे। तो अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप भी 1 स्पून इसमें चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने थोड़ा सा जीरा डाला था एंड उसके बाद ऑनियन एंड उसके बाद जो भी कैप्सिकम, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स, ये सबको ऐड किया था। आपको इसको पूरा एकदम से फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा जैसे सौते करते हैं वैसे ही आपको करना है, ज़्यादा डीप आपको इसके फ्राई नहीं करना है। एंड उसके बाद ये मम्मी इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मम्मी आपको कैसा लग रहा है खाना बनाते हुए? बनाने के लिए बहुत
आज मम्मी बना रही है चिली फिश। कितने टाइम में बन जाएगा चिली फिश? हाफ एन आवर में बनेगा। अच्छा मैं यहाँ से चेन्नई जाते जाते 5-10 किलो और बढ़ा के जाऊंगी, तो आप लोग भी वेट कीजिएगा मुझे वैसे देखने के लिए। क्यों मम्मी 5-10 किलो बढ़ा के भेजोगी? उसके बाद अगेन इस प्याज में आपको थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा फिश मसाला जो कि मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, गरम मसाला, फिश मसाला एंड यहाँ पे हल्दी नमक आपको फिर से डालना है एंड इसको फिर से थोड़ा सा फ्राई करना है। एंड सॉरी गाइस, मम्मी की आवाज़ आपको शायद सुनाई नहीं दिया होगा, वो बहुत धीरे बात कर रही थी उस वक्त, तो मुझे लगा तो रिकॉर्ड हो गया होगा अच्छे से, लेकिन बाद में जब एडिट करने बैठी तो पता चला कि नहीं आ रहा था। तो वही वो बोल रही थी कुछ नहीं होगा खा लो अच्छे से यहाँ पे, वो तो बोल रही कि मैं बहुत ज़्यादा पतली होके आई हूँ, सो मुझे वैसा नहीं लगता है। फिर आपको इसमें सारे फिश ऐड करना है, इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा बस गर्म पानी लेना है, गर्म पानी लेके लास्ट में वो ऐड करेंगी। एंड यहाँ पे माही भी आ गई है, उसको भी देखना था कैसे बना रही है फिश, उसको वो चेन्नई में भी वैसे ही करती है, बोले कि मम्मा मुझे गोदी करके बनाओ खाना, मैं देखूँगी। तो वही दोनों का लाड़ चल रहा है यहाँ पे, और वो 1 मिनट के लिए भी मम्मी को नहीं छोड़ रही है, सोने के लिए भी मम्मी के पास जाएगी, खाने के लिए मम्मी नानी 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 को छोड़ ही नहीं रही वो। सो लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी, बस थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। एंड गर्म पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए आपको इसको फिर से ढक के रख देना है, एंड उसके बाद ये रेडी हो गया है। मैं आई थिंक स्टार्टिंग में जब ये रेडी हो गया उस वक्त का फ़ोटो लेना मैं भूल गई थी, सो थोड़ी देर बाद ली ये मैंने। आई होप मैंने आपको ये रेसिपी समझा हाय पाई गाइस, हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाला, एंड प्लीज इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड को बहुत ही मैसी हो गया है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर मम्मी के साथ स्कूटी में, थोड़ा सा शॉपिंग करने। माही रेडी हो गई है नीचे, मेरी वेट कर रही है वो, एंड मैं जाऊँगी स्कूटी में। एंड आज सुबह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि बहुत रिलेटिव्स आते ना, कज़न वगैरह, तो उन लोगों से बात करके मेरा टाइम पास वैसे हो गया था। अच्छा भी नहीं लगता ना उनके साथ टाइम बिना स्पेंड किए बस कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करो तो। पर आई एम श्योर मैं एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो प्लान कर रही हूँ। आई थिंक ट्राई करूंगी वो कल जाएगा, नहीं तो परसों, पता नहीं। अगर आज हो जाता है वो तो आज कल जाएगा, अगर आज नहीं हो पाता तो परसों जाएगा। सो चलो मैं मार्केट जाकर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाय। माई शो यू ड्रेस शो। ये हम गए थे अभी माही के लिए, ये वाला नाइट नाइट ड्रेस लेके आए हैं। और ये व्हाट यू आर डूइंग मामा, क्या कर रही हो मिरर लेके, क्या कर रही है पता नहीं कौन कुछ मामा। अरे देखो कितने एक्टिंग कर रही है। तो बहुत सारे लोग ना मुझे बोल रहे थे दीदी अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाओ, कलेक्शन ये है कुछ साड़ी ऐसे, एंड यहाँ पे आधा है, यहाँ पे मेरे इन लॉस के यहाँ पे थोड़ा सा है, फिर चेन्नई में थोड़ा सा है, तो पता नहीं मैं कैसे दिखाऊंगी आप लोगों को। ये कुछ कुछ हैवी साड़ीज है, सारे पार्टी वेयर साड़ीज है, मैं उतना साड़ी तो नहीं पहनती थी, ये सारे शादी के साड़ी है। शादी के टाइम होता है ना वहाँ, उसी टाइम के साड़ीज है, बस उसके बाद से मैंने लेना ही छोड़ दिया साड़ी। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 एंड बहुत बड़ी टेंशन लग रही है मुझे। मैं जैसे कि आपको लग रहा होगा कि मैंने ऐसा टाइटल क्यों रखा कि मुझे जाना है यहाँ से, वैसे कुछ उतना बड़ी बात तो नहीं है, पर इतना ज़्यादा टेंशन लग रहा है ना मुझे। जैसे कि लोग जॉब में जाते हैं ना तो उनको रहता है ना अपने काम का टेंशन, भले ही हम लोग जॉब में ना जाएं लेकिन जो भी यूट्यूब पे हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको वही जॉब है, वही उसी के लिए वो लोग बहुत, उन लोगों को मेहनत भी करना पड़ता है। मैंने यहाँ आने से पहले, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी यहाँ पे उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार नेट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, एक वीडियो अपलोड होने के लिए इतना टाइम ले रहा है एंड कभी कभी हो भी नहीं पा रहा है। सो लग रहा है कि नहीं मैं चली जाऊँ वापस, क्योंकि ऐसा हुआ तो कितना दिन का काम रुक जाएगा, कितना दिन का गैप हो जाएगा, ये बहुत बड़ा टेंशन है।
पर देखते हैं क्या हो पाता है। पर जाऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, क्योंकि एक टाइम के लिए मैंने कल रात को सोच लिया कि नहीं यार। और मैं फोन को इसीलिए ऐसे रख रही हूँ क्योंकि मेरा स्टैंड ट्राइपॉड नीचे है, मेरा ट्राइपॉड नीचे रखा हुआ है बेडरूम में, मतलब नीचे मम्मी पापा के रूम में है ट्राइपॉड। एंड मैं अपने रूम में थोड़ा सा आई थी यहाँ पे, मतलब यहीं पे थोड़ा सा काम कर रही थी, तो अभी कौन जाएगा यार, और मम्मी पापा के रूम में नीचे है। ऐसे ही रख के इसी के लिए बात कर रही हूँ, कुछ स्टैंड नहीं यहाँ पे, और पकड़ के बात करना ना मुझे यहाँ पे बहुत पेन होता है। वही मैं सोच रही थी कि कैसे करूंगी, क्या करूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, इतना ज्यादा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कभी मैंने कभी इतना सोचा नहीं था। आई थिंक ड्यू टू दैट साइक्लोन एंड ऑल इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक टाइम के लिए तो मैं मम्मी को बोलती नहीं यार मम्मी मैं चली जाऊंगी, एक वीक में मैं जा रही हूँ, टिकट कर देना है मुझे, और बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर बोलती है सच में बोल रही हो, मैं बोली नहीं सोच तो रही हूँ पर नहीं जाऊंगी अभी नहीं जाऊंगी, बट आई होपफुली जल्दी से नेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाए एंड बाकियों का भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो भी ठीक हो जाए, बहुत लेट भी हो रहा है। आई थिंक मैं अभी अपलोड पे बिठाऊंगी तो आई थिंक सुबह तक होगा ये अपलोड, ये भी एक प्रॉब्लम है। नहीं तो मैं क्या वहां पे तुरंत एडिटिंग करती थी, तुरंत अपलोड पे लगा देती थी और 10 मिनट में हो जाता था, यहाँ पे तो इतना 10 घंटे लग जाते हैं यार, इतना टाइम ले रहा है अभी। देखते हैं इतना बड़ा, ये आपको शायद आप लोगों को लगे कि यार ऐसे क्यों बोल रही होगी, इतना छोटा सा प्रॉब्लम है। एक यूट्यूब पे कोई होता ना यूट्यूबर, उनको पूछना कि नेट उनके लिए एक जिंदगी बन जाती है पार्ट के लिए, इंटरनेट जहाँ भी जाओ उनको इंटरनेट चाहिए ही होता है। हाँ 1-2 दिन के लिए तो ठीक है, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन यहाँ पे रुकने वाली हूँ, तो वही मुझे टेंशन है कि कहीं इतना दिन का गैप ना हो जाए यार कैसे, क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। वैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो यूट्यूबर्स से देखती हूँ उनका भी ऐसा है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट नो। और आप लोग कैसे हैं, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा आई थिंक रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने भी अपलोड नहीं किया, या फिर कम्युनिटी टैब में भी मैं कुछ नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, एज जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे नेट का इश्यू बहुत ज्यादा है। एंड आज का मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन लाइक जरूर करना यार, बहुत ही अच्छा लगता है आपके लाइक करने से हमें, एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करना। एंड यस मम्मी का रेसिपी कैसा लगा, चाट वाला रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। एंड आज का रेसिपी जो मैंने अपलोड किया है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रेसिपी वीडियो बनाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे भाई भी आया है तो घर पे इतने सारे लोग हैं ना, तो मम्मी क्या ना उनको डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने का, मतलब ट्राई नहीं करना, हमारे लिए बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ मैं और आई थिंक 5-10 किलो वेट पुट ऑन करके ही जाऊंगी। कुत्ते भौंक रहे हैं यार, हर जगह से प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मम्मी को भी मैं बोल रही थी कि मम्मी देखो मैं 5-10 किलो आई थिंक वेट बढ़ा के जाऊंगी। मेरा भाई भी बोल रहा है कि मम्मी देखो आप मेरा वेट गेन करवा के ही छोड़ोगी। तो चलो वही इसी के लिए जो भी बनाती है ना कुछ स्पेशल बनाती है, तो मैं तो उतना मुझे उतना कुछ नहीं आता है खाना बनाने में, मैं बस ट्राई करती हूँ कुछ देख के, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख के मैं ट्राई करती हूँ। वो जो बनाती है या फिर जो बनाएंगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। मैं रेडी हूँ, कुछ कुछ तो बनाती रहती है हमारे लिए। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अच्छा लगे तो मम्मी के लिए एटलीस्ट लाइक जरूर कर देना, अगर आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, या फिर क्या अगर आप कुछ नया देखने चाहते हैं मम्मी के साथ वीडियो, भाई के साथ कुछ भी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।